नमस्कार सभी को, मैं हूँ नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में ही। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आईटीआई युवाओं के लिए नौकरी का मौका, तो उसमें हम पूरी न्यूज़ इसमें देखेंगे। तो आईटीआई परीक्षा पास अभ्यर्थियों के लिए नौकरी का बड़ा मौका है। दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, डीआरडीओ का बारे में बता दो। एमटीएस की इसमें वैकेंसी निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 23 जनवरी तक है। अगर आपने नहीं फिल करा है तो कर दीजिए। और इसके बारे में अगर आप फुल डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप पूरी डीआरडीओ एमटीएस के बारे में फुल नोटिफिकेशन है, पूरी जानकारी है, वो देख पाएंगे। रेलवे एनटीआरओ ने भर्ती की विज्ञापन जारी कर दी है। जल्द ही विद्युत विभाग में जो है आपके टेक्निकल हेल्पर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। विद्युत विभाग के अजमेर डिस्कॉम में कुल 18,885 पद व जयपुर जोधपुर डिस्कॉम में 8,954 पद जो है रिक्त हैं। इसमें एलडीसी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व हेल्पर के पद शामिल है। रिक्त पदों की सूचना बिजली कंपनियों ने मुख्यालय को भिजवा दी है। इस भर्तियों का तोहफा जो है जल्द प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। दिल्ली मेट्रो में कुल 1,353 पदों पर भर्ती होनी है। अगर आपने नहीं देखा है डीट प्रेस का नोटिफिकेशन, तो आप देख सकते हैं इसमें, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी। के लिए मेंटेनर के पद शामिल है, जिसमें 75 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। संबंधित ट्रेड जो 10 प्रश्न होंगे वो आपके इंग्लिश से होंगे। बाकी आपके 35 क्वेश्चन जो है तक सके रीजनिंग से होंगे एंड जनरल अवेयरनेस, और साथ में आपके करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डीआरडीओ की बात करें तो इसमें 10वीं आईटीआई योग्यता के आधार पर एमटीएस के 18 और 17 पदों के लिए भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इस भर्ती में शामिल, तो जो कि मैंने बता दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए युवा 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन के लिए योग्यता इलेक्ट्रीशियन व वायरमैन ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसमें 200 अंकों के 100 प्रश्न इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित पूछे जाते हैं, व 50 अंक के प्रश्नों में गणित, कंप्यूटर, राजस्थान, सामान्य ज्ञान व समसामयिक के सवाल पूछे जाएंगे। तो ऐसे आपको न्यू अपडेट अगर आपको मिलती रही, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और डीआरडीओ एमटीएस में जो भी आपकी एज, एलिजिबिलिटी और जो क्वालिफिकेशन है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ऑनलाइन होगा क्या होगा, वो सब कुछ मैंने वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।